मंदसौर में दुकान में घुसकर व्यापारी को चाकू मारकर हत्या के प्रयास करने वाले बदमाशों को उद्योग नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी मुनिंद्र सिंह ने बताया कि 9 दिसंबर 2012 को फरियादी संजय तिवारी निवासी गोविंद नगर और उसका भाई धनंजय तिवारी अपनी प्रेम नगर स्थित कपड़े की दुकान पर बैठे थे। रात करीब 9 बजे तीन लड़के धारदार हथियारों से लैस होकर दुकान में घुसे और धनंजय को जान से मारने की नीयत से पेट पर चाकू मारा। विरोध करते हुए उसने हाथ आगे किया तो उसका हाथ कट गया और दूसरे ने जांघ पर चाकू मार दिया। सरिये से संजय के साथ भी मारपीट की गई। बदमाश सोने की चेन और गले से रुपए चुरा कर ले गए। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है और रिश्तेदारी बारा बपावर झालावाड़ बूंदी में उनकी तलाश कर रही है। बदमाशों के एक दर्जन से अधिक साथियों से पूछताछ की गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच और मुखबिरों से असूचनाएं एकत्रित की गई हैं।